हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कमथानी एडवोकेट। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म 1 और 4 जारी कर दिया है। आईटीआर फॉर्म 1 सबको पता है कि सैलरी वालों के लिए और 4 बिजनेस छोटे बिजनेसमैन के लिए होता है। दोस्तों, ये 3 महीने पहले जारी करके गवर्नमेंट ने, इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है, इस पर आपको फोकस करना है। अब नए टैक्स ढांचे को ही डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। अगर आप रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपको, अगर पुराने फॉर्म पुराने टैक्स ढांचे में रहना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सिलेक्ट करना होगा। ऑटोमेटिक ये न्यू टैक्स ढांचा, न्यू टैक्स रिजीम में आएगा और टैक्स की गणना करेंगे। नए टैक्स रिजीम में HRA, LTA, सेक्शन 80C और 80D, LIC, ये सब चीज़ डिडक्शन आदि की छूट समाप्त कर दी गई है। चलिए समझते हैं आईटीआर फॉर्म 1 किसको फाइल करना है। ऐसे टैक्सपेयर जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है और उन्हें सैलरी या एक आवासीय संपत्ति स्रोत जैसे ब्याज आदि 5000 रुपए तक की कृषि आय हो रही है, उनके लिए आईटीआर 1 फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आईटीआर 4 यानी सुगम फॉर्म जैसे को ऐसे टैक्सपेयर या HUF और ALP को छोड़कर अन्य कंपनियां भर सकती हैं जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपए तक है और कमाई का जरिया बिजनेस या प्रोफेशन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए और मेरी नए नए वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।